के गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आइए मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ मोहतरमा रुमाना सिद्दीकी साहब का, तालियों से इस्तकबाल करिए, वो अपने कलमात से नवाज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आज यहाँ आप लोगों के बीच में आई हूँ उसका मुझे बेहद खुशी है कि आज इस आप लोगों के मुशायरे के कार्यक्रम के लिए मेरे छोटे भाई राजा कासिम ने मुझे बुलाया। वैसे तो बेचारे ने मुझे बहुत बार बुलाया, अब क्योंकि उसका उसने इतनी बार बता दिया कि एक महीना बचा, एक महीना बचा, अगर आज भी मैं ना आती तो फिर मैं कब आती। मैं ये कहूँगी इनसे कि एक महीना बहुत बड़ी चीज होती है, एक दिन बहुत बड़ी चीज होती है, एक महीना तो बहुत बड़ा है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी शायरों का और मैडम लोगों का मैं इस्तकबाल करती हूँ। बाराबंकी में राजा कासिम आज उर्दू एकेडमी में अब आए हैं। ये मेरे साथ बहुत पहले से राजनीतिक तौर पे थे, भाजपा के कुछ लोग होंगे या जानते भी होंगे। मैं पहले भी यहाँ पे जब भाजपा के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष थी तो ये मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और इनका जब से मेरे से इनसे जुड़ाव हुआ बहुत साल पहले, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का एक कार्यक्रम था उसके थ्रू मेरी इनसे मुलाकात हुई, और जिस दिन से इनसे मेरी मुलाकात हुई है उस दिन से जो अप्पी कहा उसी हिसाब से इन्होंने राजनीतिक छोड़ के इन्होंने मेरे साथ एकदम घरेलू रिश्ता रखा। ये नहीं देखा कि ये राजनीतिक हैं, मुझे भी आज दिन तक नहीं रखा लगा कि मैं किसी राजनीतिक बंदे से मिलती हूँ, मुझे भी ये लगता है कि ये मेरा अपना सगा छोटा भाई है। इनके में जो इतनी मोहब्बत है जिसके वजह से ये आज यहाँ तक आए हैं, और आप लोगों की दुआएं अगर इनके साथ रहेंगी तो एक महीना क्या ये आप लोगों के आगे, मैं तो दुआ करूंगी कि ये इसी उर्दू एकेडमी में चेयरमैन बने, इससे भी आगे जाएं। राजनीति है, किसी को नहीं मालूम कि कब किसका पल्ला कहाँ भारी हो जाता है, तो इसलिए मेरी तो इनके लिए यही दुआएं हैं। और मैं शायरों के लिए भी कहूंगी कि आप लोग भी इसी तरह शायरी करते रहें और अपना मुकाम आगे बढ़ाते रहें। आज राजा कासिम हैं, कल कोई है और होगा, आप लोगों को बुलाते रहेंगे, और खुदा के फजल से आप लोगों की भी ऐसे ही शायरियाँ चलती रहेंगी। मैं मेरे को वापस लखनऊ जाना है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे बुलवा दो, जो भी दो लाइन बुलवाना, मैं तो वो भी नहीं बोलना चाह रही थी, मैं तो कह रही थी मुझे यूं ही चुपचाप जाने की इजाज़त दे दो, कह नहीं अप्पी आप बोल के जाइएगा। मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों का यहाँ पे शायरों को सुनने के लिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने राजा कासिम का हौसला अफजाई करी है। मेरे साथ मेरे चल के आए हुए हज कमेटी के सदस्य इफ्तिकार, मेरा साथ मेरा छोटा भाई हिमांशु, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इसी तरह राजा कासिम को हौसला अफजाई करते रहिएगा, जिससे कि उसके पैर रुके ना और उसका एक महीना नहीं उसके सालों साल ऐसे ही अपना मुकाम पे चलते रहे। और आप सबको मैं इसी के बस आखिरी बार बोलती हूँ कि मैं फिर इंशाल्लाह कभी आप लोगों से मुलाकात करूँगी। खुदा हाफिज़।